गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज नंबर ए गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी टू सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर बी गिवन ऑन पेज नंबर थर्टी थ्री तो हमें क्या करना है हमें इन ब्लैंक्स में सब्जेक्ट ऐड करना है प्रेडिकेट हमें दिया गया है हमें ऐड करना है यहाँ पर सब्जेक्ट सो फर्स्ट वन इज़ डैश हैड अ डॉल तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में ऐड कर देंगे कोई भी नाम लाइक रिया हैड अ डॉल तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा रिया आर आई वाई ए रिया देन सेकेंड वन इज़ डैश इज अ फ्रूट तो यहाँ पे हम कोई भी फ्रूट का नाम लिख सकते हैं जैसे फ्रूट में आ जाता है हमारा एप्पल तो हम यहाँ लिख देंगे एप्पल इज़ अ फ्रूट ए डबल पी एल ई एप्पल इज़ अ

देन फिफ्थ वन इज़ डैश आर वीपिंग आर है मतलब मोर देन वन है एक से ज़्यादा की बात हो रही है दे आर वीपिंग टी एच ई वाई दे डैश आर लाफिंग वी आर लाफिंग डब्ल्यू ई वी सेवेंथ वन इज़ डैश आर सिंगिंग तो यहाँ पर आ जाएगा वी आर सिंगिंग क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा की ही बात हो रही है आर का जब भी यूज़ होता है तो हमें समझ जाना है कि यहाँ सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पे हम दे वी का यूज़ कर सकते हैं डैश आर राइटिंग दे आर राइटिंग टी एच ई वाई दे आर राइटिंग डैश आर फ्लाइंग तो यहाँ पे हम लिख देंगे बर्ड्स आर फ्लाइंग बी आई आर डी एस बर्ड्स आर Flying. Then tenth one is dash is drinking milk. Cat is drinking milk. C A T cat. Cat is drinking milk. So from this exercise, you have to write first five sentences in your English grammar copy. And once again, I am reading this for you. Ria had a doll. Apple is a fruit. She has two books. Pear is green.

B E A U T I F U L beautiful flower then second one is the elephant is fat in shape f a t fat in shape the moon came up in the sky came up इन द स्काई एट नाइट फुल स्टॉप इन सब में हम फुल स्टॉप लगा देंगे बिकॉज हम क्या कर रहे हैं इन सेंटेंसेस में हम प्रेडिकेट एड कर रहे हैं माई मदर इज कुकिंग या फिर हम लिख सकते हैं माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड माई मदर इज़ गिविंग मी मिल्क एनी थिंग वी कैन द सेंटेंस हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर प्रेडिकेट लिखना है तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो हम अभी लिख रहे हैं हम वही सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर वी कैन मेक एनी सेंटेंस यू कैन ऑल्सो मेक एनी सेंटेंस बाय योर ओन जैसे यहाँ पे लिखा है मदर तो हम लिख देंगे माय मदर कोक सी डबल ओ के एस कोक्स वेरी वी ई आर वाई वेरी टी एस टी वाई टेस्टी फूड एफ डबल ओ डी फूड देन फुल स्टॉप देन फिफ्थ वन इज द काऊ तो हम लिख सकते हैं द काऊ इज ईटिंग ग्रास तो यहाँ हम लिख देंगे द काउ इज ई ए टी आई एन जी ईटिंग ग्रास इन द आई एन इन टी एच ई द गार्डन जी ए आर डी ई एन गार्डन एंड देन फुल स्टॉप सो लाइक दैट वी आर एडिंग द प्रेडिकेट टू द सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें हमने प्रेडिकेट बनाया सेंटेंस बना लिए हैं और अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में सो टूडे वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज नंबर बी और हमने एक्सरसाइज नंबर सी आज हाफ कर ली है सो यू हैव टू राइट दीज फाइव सेंटेंसेज इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी और इसके एक्सरसाइज नंबर बी के भी आप फर्स्ट फाइव सेंटेंसेज कॉपी में कर लेंगे